नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल टारगेट सिटी सर्विसेज में। दोस्तों आज है 15 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 15 जुलाई की करंट अफेयर, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर रहे हैं, तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय सीए दिवस और 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जिनोसिस डे मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, ये 11 जुलाई को। 12 जुलाई को दोस्तों विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस। और दोस्तों आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल डे, कब मनाया जाता है दोस्तों, ये 15 जुलाई को। तो देखिए दोस्तों हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है और इसे वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा नामित किया गया था और इसका उद्देश्य विश्व के युवाओं को रोजगार, काम और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना है। और विश्व युवा कौशल दिवस 2022 की थीम क्या है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर, ठीक है। तो इसकी थीम याद रखिएगा, विश्व युवा कौशल दिवस 2022 की थीम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। और दोस्तों बात करें यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है, अमेरिका में है। और दोस्तों इसमें सदस्य कंट्री कितनी है, तो 193 है और 193वां देश कौन सा है, दक्षिणी सूडान है। इसके अभी हेड कौन है दोस्तों, तो इसके हेड है अभी एंटोनियो गुटेरस। और दोस्तों यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, रुचिरा कंबोज को, ठीक है। तो रुचिरा कंबोज को दोस्तों यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इसके पहले कौन थे दोस्तों, टी एस तिरुमूर्ति थे। चलिए दोस्तों सबसे पहले हमने जो करंट अफेयर थे उसका रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, न्यू दिल्ली में 6वें नेशनल कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को उत्खनन, नीलामी, खानों के संचालन में पहल करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रथम पुरस्कार। और इसी के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार के साथ 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी दी गई है। देखिए दोस्तों 6वें नेशनल कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को 2 पुरस्कार मिले हैं, एक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और 2 में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो दूसरे में जो जिसमें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है इसमें 2 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। तो हमारे मध्य प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री कौन है, तो यह श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है। दोस्तों हमारा हाल ही में किस जिले में विश्व स्तरीय हार्निया सम्मेलन का आयोजन किया गया है दोस्तों, तो यह हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। और ये कब से कब तक किया गया दोस्तों, 9 जुलाई से 10 जुलाई तक किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा एवं हार्निया सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में चेन्नई में आयोजित 5वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भोपाल जिले के अमन सिंह बिष्ट ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों, तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, स्वर्ण पदक। तो याद रखिएगा अमन सिंह बिष्ट का संबंध किस खेल से है दोस्तों, बॉक्सिंग से है, और ये किस जिले के है, तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, केंद्र सरकार की नशा मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल है, तो हमारे मध्य प्रदेश के 15 जिले शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 15 डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में स्थित माधव विज्ञान महाविद्यालय, ठीक है, किस शहर में स्थित माधव विज्ञान महाविद्यालय को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल यानी नैक में उच्चतम ग्रेड A++ अंक प्राप्त करने वाला देश का पहला शासकीय महाविद्यालय बन गया है दोस्तों। तो दोस्तों माधव विज्ञान महाविद्यालय किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों नैक NAAC इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, ये क्या है दोस्तों, तो ये एक संस्थान है जो भारत के उच्च शिक्षा अन्य शिक्षा संस्थानों का आकलन तथा मान्यता कार्य करती है और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1994 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बैंगलोर में है और इसके अभी डायरेक्टर कौन है दोस्तों, SC शर्मा है। तो बात करें यहाँ पर माधव विज्ञान महाविद्यालय की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 1892 में की गई थी, ठीक है,
और ये डॉक्टर अर्पणा भारद्वाज यहाँ की प्रिंसिपल है दोस्तों। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए दोस्तों, उज्जैन का माधव विज्ञान महाविद्यालय हमारे मध्य प्रदेश में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल में उच्चतम ग्रेड A++ अंक प्राप्त करने वाला देश का पहला शासकीय महाविद्यालय बन गया है। संपूर्ण राष्ट्र में मात्र 28 महाविद्यालय इस श्रेणी में है दोस्तों, और इसमें माधव विज्ञान महाविद्यालय एकमात्र शासकीय महाविद्यालय है। जितने भी सभी है वो निजी महाविद्यालय है। माधव विज्ञान महाविद्यालय को 3.58 CGPA प्राप्त हुआ है। अब तक हमारे मध्य प्रदेश में किसी भी शासकीय महाविद्यालय को प्राप्त हुए अंकों में उच्चतम है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा है कि महाविद्यालय ने इस बार भी नैक से सर्वोच्च A++ ग्रेड हासिल कर हमारे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। और उन्होंने कहा है कि नैक द्वारा पूर्व में महाविद्यालय की ग्रेडिंग गलत दी गई थी। नैक द्वारा महाविद्यालय के PhD होल्डर प्रोफेसर और गेस्ट फैकल्टीज की गिनती गलत की थी। महाविद्यालय द्वारा अपील की गई, जिसके परीक्षण के बाद महाविद्यालय को नैक द्वारा A++ ग्रेड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश भर के किस शहर के इकलौते साइंस सेंटर को नासा के ग्लोबल ब्रॉडकास्ट इवेंट में जुड़ने का मौका मिला है दोस्तों? तो ये हमारे भोपाल के साइंस सेंटर को दोस्तों नासा के ग्लोबल ब्रॉडकास्ट इवेंट में जुड़ने का मौका मिला है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। तो बात करें हम यहाँ पर नासा यानी NASA की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है दोस्तों? तो ये US की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये 29 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी, 29 जुलाई 1958 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। इसके अभी अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये बिल नेल्सन इसके अभी अध्यक्ष है। और दोस्तों हमारे देश की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, ठीक है, ISRO, इसरो है हमारे देश की स्पेस एजेंसी का नाम। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों ये क्वेश्चन MPPSC 2021 में पूछा भी गया था, इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में है, IT City भी बोलते हैं इसको। और दोस्तों अभी इसके चेयरमैन कौन है? SP Somnath है। तो दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा हो गया, और हमारे देश की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो हो गया। अच्छा, चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों? तो ये है CNSA, ठीक है। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों? रॉसकॉसमोस है, ठीक है, रूस की स्पेस एजेंसी का नाम रॉसकॉसमोस है। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम दोस्तों जाक्सा है। और यूरोपीय देश की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? ESA, ठीक है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। यहाँ पर हम साइंस सेंटर भोपाल की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1995 में की गई थी। देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष की हाई क्वालिटी डिटेल्ड फोटोज नासा का ग्लोबल ब्रॉडकास्ट और उसमें दिखाई देता भोपाल का रीजनल साइंस सेंटर यह नजारा था। भारतीय समय अनुसार मंगलवार रात 8 बजे का जब नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से कैप्चर की गई फोटोग्राफ्स लॉन्च की। इस ऑनलाइन लॉन्च इवेंट में पूरे भारत से ये इकलौता साइंस सेंटर था दोस्तों, जो ग्लोबल ब्रॉडकास्ट का हिस्सा भी बना और सारी दुनिया ने इसे देखा भी। इवेंट में इस टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर की गई 5 फोटोज को लॉन्च किया गया है। और इस कार्यक्रम से पहले रीजनल साइंस सेंटर में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की डिप्टी प्रोग्राम साइंटिस्ट डॉक्टर हसीमा हसन से ऑनलाइन टॉक का भी आयोजन किया गया था, जिसमें दोस्तों उन्होंने विस्तार से इस टेलीस्कोप के बारे में बताया। और ऑनलाइन इवेंट से पहले बच्चों के लिए एक क्वीज हुई, जिसमें बच्चों से स्पेस से रिलेटेड सवाल किए गए। दोस्तों हमारा, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती मनाने के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 23 से 24 जुलाई 2022 को राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। दोस्तों ये है चंद्रशेखर आजाद जी, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 23 जुलाई 1906 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अलीराजपुर जिले के भावरा गांव में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था दोस्तों, की माता का नाम जगरानी देवी था। तो पिता का नाम भी याद रखिएगा, पंडित सीताराम तिवारी था, और इनकी माता का नाम क्या था? जगरानी देवी था। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में 2014 या 2015 में MPPSC ने क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है। तो दोस्तों उसमें अलीराजपुर ऑप्शन में नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झाबुआ में।
ठीक है, क्योंकि अलीराजपुर कब बना था दोस्तों, 2008 में बना था। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था, तो ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक जो संस्था थी उसका गठन भी किसके द्वारा किया गया था, तो ये चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। दोस्तों, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती मनाने के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा भोपाल में 23 से 24 जुलाई 2022 को राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। यूथ महापंचायत का उद्देश्य शहीद चंद्रशेखर आजाद की विरासत को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के उत्साही युवाओं को साथ लाकर एक मंच प्रदान करना है, ताकि वे राज्य, देश और दुनिया की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चुनौतियों की पहचान कर संभव समाधान सुझाए। 52 जिलों में प्रत्येक से चुने गए आदर्श युवा प्रतिनिधियों और उनके संरक्षकों के पारस्परिक संवाद के इस 2 दिवसीय आयोजन के जरिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विजन में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा, और साथ ही युवाओं में नेतृत्व कौशल भी विकसित किया जाएगा। इस टाइप से इसका कार्यक्रम होगा दोस्तों। 28 जुलाई 2022 को प्रदेश में जिला स्तर पर यूथ पंचायत का आयोजन किया जाएगा, और 23 से 24 जुलाई 2022 को भोपाल में यूथ महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो ये तवा नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तवा नदी, और तवा नदी दोस्तों नर्मदा नदी की ही सहायक नदी है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में MPPSC में पूछा गया था। ठीक है, और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर तवा नदी की, तो ये नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल दोस्तों सतपुड़ा पहाड़ियों से होता है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से होता है। और दोस्तों बात करें नर्मदा नदी की, तो इसका उद्गम स्थल अमरकंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से होता है। अमरकंटक से 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है, एक तो नर्मदा नदी और सोन नदी। हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों, तो वो भी नर्मदा नदी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल जो है वो तवा नदी पर स्थित है, और पुल बाबई नर्मदापुरम रोड पर स्थित है दोस्तों। और तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, यह नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह नर्मदापुरम जिले में नर्मदा में विलय हो रही है, और तवा नदी बैतूल के सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है, और बोरी रिजर्व वन तवा नदी के तट पर ही स्थित है। तो ये मुख्य बातें हैं दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने मध्य प्रदेश में पहली बार अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार में फाइल फाउंडेशन पर अति उच्च दाब टावरों से विद्युत आपूर्ति की है, और लगभग 31 करोड़ रुपए की लागत से कंपनी ने 132 KV बुधनी मुहासा DCDS डबल सर्किट डबल स्ट्रिंगिंग लाइन के 5 किलोमीटर लंबाई के बीच में 4 टावरों के निर्माण में तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया है, और ये टावर मुहासा ग्राम के पास से गुजरने वाली तवा नदी में निर्मित किए गए हैं। ठीक है, और कुल 9 किलोमीटर की ये लाइन हाल ही में ऊर्जाकृत की गई है। कंपनी के सामने पूर्व में भी नदी, तालाब, नाले आदि क्रॉस करवाकर अति उच्च दाब लाइनों का निर्माण हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। प्रायः नदी के दोनों छोर पर लंबे स्पॉन के साथ का निर्माण किया जाता था, और इससे निर्माण के साथ रखरखाव में दिक्कत आती थी, और इस नई तकनीक को अपनाने से अब नदी के अंदर ही पॉइल फाउंडेशन बनाकर इन टावर्स का निर्माण किया गया है। कंपनी की योजना एवं रूपांकन संकाय के मुख्य अभियंता इंजीनियर संजय कुलश्रेष्ठ ने बताया है कि कंपनी के द्वारा पहली बार उपयोग में लाई जा रही यह तकनीक ट्रांसमिशन लाइन निर्माण के लिए मील का पत्थर साबित होगी, और इसके लिए कंपनी ने विशेष डिजाइन के फाउंडेशन तैयार करवाए है, और यह तकनीक जलमग्न और असमान भौगोलिक परिस्थिति वाले क्षेत्र में निर्माण कार्य को काफी लचीलापन प्रदान करती है। इससे लाइनों के निर्माण में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और बाद में रखरखाव में आसानी रहती है। कल का हमारा क्वेश्चन था, कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस जिले से है दोस्तों, तो इनका संबंध है विदिशा डिस्ट्रिक्ट से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज कब मिला था, तो ये 2014 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था, तो शांति के क्षेत्र में मिला था, और किसके साथ मिला था, तो पाकिस्तान के मलाला यूसुफ जई के साथ मिला था। इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई दोस्तों, बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो ये 1980 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये MPPSC 2015 में पूछा गया था, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पचमढ़ी किस पर्वत पर स्थित है, मैकाल, गंगा सोन घाटी या सतपुड़ा का पर्वत। इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा दोस्तों, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।